नमस्कार मित्रांनो मिशन सी टी टी टेस्ट सिरीज यामध्ये आपला सर्वांचं स्वागत आहे तर पेपर क्रमांक दोन प्रश्नपत्रिका क्रमांक तीन याचे लेखन व आणि संकलन रहमान सर व सपन सरकार सर या प्रश्नपत्रिकाचा स्पष्टीकरणसह आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून गणित या विषयांचा सर्व प्रश्न स्पष्टीकरणसह बघणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही जर का चॅनेलला नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि साईटचा बेल ऐकॉन दावा जेणेकरून तुम्हाला शिक्षक भरतीमधील सर्व मिळत जाईल तर चला तर मित्रांनो सुरू करूया आजचा व्हिडिओ तो देखील मित्रो प्रश्न संख्या नाईन्टी वन मे सभी संभवित मानो जिनके लिए चार अंकीय संख्या पाच तीन सात ए तीन से विभाज्य है का योग है और यहाँ पे चार विकल्प दिया हुआ है इन चार विकल्प में से जो एक विकल्प है वह सही होगा तो देखिए यहाँ पे बताया है कि सभी संभवित मान जो कि तीन से विभाज्य है तो देखिए तीन से विभाज्य सभी अंकों का योगफल को यदि तीन से विभाज्य है तो वह पूरा अंक से विभाजित है अभी यहाँ पे दिया हुआ है अर्थात का जो मान है वह है पांच तीन और कौन सा यदि हम इन तीनों अंकों को जोड़ देते हैं तो पांच और इससे जोड़ना पड़ेगा तीन और सात को यदि इन तीनों अंकों को हम जोड़ देते हैं तो पंद्रह इस प्रकार से उत्तर आ रहा है जो कि तीन से विभाजित है अर्थात ए का जो मान है वह है कितना पंद्रह इस प्रकार से तो देखिए पंद्रह जो है वह विकल्प क्रमांक बी में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक बी इसका सही उत्तर है चार देखिए प्रश्न संख्या नाइन्टी टू में दिया हुआ है जब x इज इक्वल टू वन अपन नाइन और y इज इक्वल टू माइनस थ्री अपन फोर है तो व्यंजक एट्टी वन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर माइनस सेवेंटी टू एक्स वाई का मान है इस प्रकार यहां प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिए ये जो दो मान दिया हुआ है x और y का यह मान सिर्फ हमें यहाँ पे रखना है तो देखिए किस प्रकार होगा 81 इसके साथ मल्टीप्लाई है क्या एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अर्थ है वन अपन नाइन मल्टीप्लाई वन अपन नाइन इस प्रकार से फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लेना पड़ेगा फिर सिक्सटीन वाई स्क्वायर है अभी वाई के बदले में हमें लेना है माइनस थ्री अपन फोर मल्टीप्लाई माइनस थ्री अपन फोर क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था उसके बाद माइनस सेवेंटी टू मल्टीप्लाई एक्स एक्स का अर्थ है वन अपन नाइन मल्टीप्लाई वाई दिया हुआ है तो वाई का मान है माइनस थ्री अपन फोर इस प्रकार से अभी देखिए नाइन से एट्टी वन को नाइन बार जा रहा है फिर से यदि हम नाइन को मल्टीप्लाई दे तो वन ही आ रहा है तो तीनों अंकों को मल्टीप्लाई करने पर वन बचता है फिर से यदि हम फोर से सिक्सटीन को यदि मल्टीप्लाई दे तो चार बार जा रहा है चार से चार को एक बार जा रहा है यानी तो कि अर्थात दोनों अंकों को देखिए मल्टीप्लाई दे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई देने पर प्लस बन जाएगा और तीन से तीन को गुनाकार करने पर नाइन इस प्रकार आ रहा है फिर उसके बाद फिर से भी हम हल करते हैं तो सेवेंटी टू को नाइन से एट बार जा रहा है एट से एट को टू बार जा रहा है अभी बचे ऊपर टू और नीचे में माइनस थ्री इस प्रकार से अभी देखिए यहाँ पे माइनस थ्री है और टू जो है ये भी माइनस टू इस प्रकार से है तो माइनस माइनस और मल्टीप्लाई करने पर प्लस बन जाएगा टू से थ्री को मल्टीप्लाई करने पर सिक्स इस प्रकार आ रहा है तीनों अंकों को यदि हम जोड़ देते हैं तो सिक्सटीन इस प्रकार से हल आ रहा है अंतिम हल जो कि देखिए विकल्प क्रमांक जो तीन है यह विकल्प में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक तीन इसका सही उत्तर है मित्रों अपन जर का अभियोग्यता चाचने की तैयारी करी अल तो आम्मी तुम्हारे घेन आए हैं मिशन टेट बैच असेल टेस्ट सीरीज असेल कि पी डी एफ या स्वरूप मध्या ज्या नोट्स हैं ता नोट्स हैं अपने जर का नोट्स हवे प्रत्येक विषया ज्यादा हैंड रिटन नोट्स आम एक्सपर्ट असलेल्या टीमने या ठिकाणी बनवलेल्या आपल्याला जर काय नोट्स हवे असतील तर त्याची फीस केवळ दोनशे नव्याण्णव रुपये आहे आपल्या आपल्याला दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करा आणि आजच या ज्या पीडीएफ फाईल आहेत त्या मागून घ्या या पीडीएफ फाईलचा उपयोग तुम्हाला येणाऱ्या अभियोग चाचणीमध्ये नक्की होणार आहे देखिए प्रश्न संख्या 93 थ्री मध्ये हुआ आहे अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से आपणा आहे पाच वर्ष पहिले आयु अपनी बेटी की आयु की चार गुना थी यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इस प्रकार चार विकल्प दिया हुआ है तो मान लीजिए कि बेटी की जो आयु है तो बेटी की आयु बराबर हम क्या लेते हैं x वर्ष इस प्रकार से ठीक है अभी अभी की आयु y वर्ष अभी की आयु इज इक्वल टू वाई वर्ष इस प्रकार से अभी देखिए जिस प्रकार यह अभिष्ट प्रश्न में बताए गए तो उसी के आधार पर अभी की आयु से दो गुना है किसके आयु से बेटी की आयु से दो गुना है यह मान के चलिए समीकरण एक इस प्रकार से फिर से यदि हम हल करते हैं तब प्रश्न अनुसार देखिए उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की चार गुना थी यदि बेटी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो इस प्रकार पूछे है तो फिर से यदि हम हल करते हैं वाई माइनस पांच वर्ष पहले अर्थात एक्स सॉरी वाई माइनस फाइव इज टू चार गुना थी अर्थात एक्स माइनस फाइव इस प्रकार से पांच वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की चार गुना थी उसी के आधार पर हमने यहाँ पे समीकरण तैयार किए फिर से यदि हम हल करते हैं तो वाय माइनस फाइव इजल टू देखिए दोनों को गुनाकार करना पड़ेगा क्योंकि कौन का अर्थ होता है गुनाकार अर्थात फोर एक्स माइनस ट्वेंटी इस प्रकार बनेगा अभी देखिए इसको यदि हम फिर से हल करते हैं तो वाई को इसी और रखते हैं माइनस फाइव को उस पार ले जाते हैं तो फोर एक्स माइनस ट्वेंटी अभी माइनस फाइव था अर्थात प्लस बन जाएगा फाइव इस प्रकार से फिर से यदि हम हल करते हैं तो y इज इग्वल टू फोर एक्स माइनस कितना बनेगा 15 इस प्रकार से अभी देखिए फिर से यदि हम हल करते हैं y इज उगल टू क्या थे 2x इस प्रकार से अर्थात y के बदले में हम ले सकते हैं क्या 2x इस प्रकार से 2x इस y के बदले में क्योंकि y इजल टू टू एक्स समीकरण नंबर एक में आया था 2x एक्स टू इस बार दिया हुआ है फोर एक्स माइनस फिफ्टीन इस प्रकार से यदि फिर से हम इसे हल करते हैं तो देखिए टू एक्स को उस पार ले जाते हैं तो देखिए फोर एक्स माइनस टू एक्स ठीक है और फिफ्टीन को उस पार लेके गए तो प्लस बन जाएगा ये क्योंकि इस पार माइनस है फोर एक्स से टू एक्स चला गया अर्थात टू एक्स इज इक्ल टू फिफ्टीन इस प्रकार तो x इज फिफ्टीन अपन टू इस प्रकार रहेगा आर से अभी देखिए जो चार विकल्प दिया हुआ है उसमें से विकल्प क्रमांक जो c है इसमें दिया हुआ है एक्स माइनस फाइव इजल टू टू एक्स माइनस फाइव यह जो विकल्प है देखिए इस विकल्प से मिलता जुलता है अभी देखिए यहाँ पे फोर से एक्स को यदि मल्टीप्लाई फिर से यदि हम हल कर सकते इसे समय देखिए फिर से भी हम इसे हल करते हैं तो फोर मल्टीप्लाई एक्स फोर एक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई फाइव अर्थात ट्वेंटी टू टू एक्स माइनस फाइव इस प्रकार से है तो देखिए हमने वाई के बदले में क्या लिया था टू एक्स ठीक है तो टू एक्स माइनस फाइव देखिए इस पर है टू एक्स माइनस फाइव यहाँ पे दिया हुआ है टू एक्स माइनस फाइव तो ये भी बन रहा है टू एक्स माइनस फाइव फिर इस जो है फोर एक्स माइनस ट्वेंटी अर्थात हमारे इस्पार फोर एक्स माइनस ट्वेंटी इस प्रकार भी आए थे क्योंकि y का जो मान है वो 2x था अर्थात 2x एक्स माइनस फाइव इज टू फोर एक्स जो कि विकल्प क्रमांक तीन से मेल खा रहा है देखिए विकल्प क्रमांक यदि तीन को यदि हम हल करते हैं तो x का मान फिफ्टीन अपन टू इस प्रकार आएगा हम हल कर सकते हैं देखिए फिर से यदि हल करें तो 4x और उससे 2x एक्स माइनस कर दीजिए 4x एक्स माइनस टू एक्स टू माइनस फाइव प्लस कितना ट्वेंटी इस प्रकार बनेगा तो फोर चला टू चला गया अर्थात तो दोनों जो मान है वह समान आए हैं जो कि विकल्प क्रमांक तीन का हल करने पर अर्थात विकल्प क्रमांक तीन इसका सही उत्तर है जनसंख्या नाइन्टी फोर में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40 प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40 बट्टा देता है उसका हानि या लाभ प्रतिशत है तो देखिए वह क्रय मूल्य से 40 प्रतिशत अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40 प्रतिशत बट्टा देता है अर्थात निश्चित ही उसे हानि हुआ होगा क्योंकि देखिए हानि बराबर देखिए चालीस प्रतिशत वह अधिक ये करता है उससे बट्टा देता है कितना चालीस प्रतिशत इस प्रकार से यदि हम दोनों को फिर से माइनस करना पड़ेगा प्रतिशत के आधार पर तो चालीस गुनीला चालीस और सौ में से प्रतिशत निकलते हैं है फिर से यदि हम इसे हल करते हैं तो चालीस में से चालीस चला गया बचा शून्य चालीस गुनीला चालीस अर्थात सोलह इस प्रकार से अभी सोलह को सौ से यदि हम गुनाकार करते हैं तो कितना बचेगा सोलह प्रतिशत इस प्रकार से यानी कि कितना सोलह प्रतिशत हानि हुआ है जो कि देखिए विकल्प क्रमांक जो चार है उसमें दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक चार इसका सही उत्तर है संख्या नाइनटी फाइव में दिया हुआ है किसी चतुर्भुज के कोण टू इस टू थ्री फाइव इस टू एट के अनुपात में है उसके सबसे बड़े कोण के सम्मुख तथा सबसे को, छोटे कोण के पूरा कोण का योग इस प्रकार का प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिए सबसे पहले हमें जो छोटे कोण है वह और बड़ा कोण पूरक कोण इन सभी कोणों का या संपूरक कोण सभी का जो मान है वह ज्ञात करना पड़ेगा तो देखिए हमें पता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना है तो चतुर्भुज के कोणों का योगफल है 360 इस प्रकार से तो यह जो अनुपात है उसमें हम x मिला लेते हैं अर्थात 2x एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस साठ इस प्रकार से होगा यदि देखिए इन चारों को हम यदि मिला लेते हैं तो एट्टीन एक्स इस प्रकार से बन रहा एट्टीन एक्स इज इल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी इस प्रकार से अर्थात एक्स इज इग्व टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिवाइडेड एटीन देअ एक्स इज इग्वल टू ट्वेंटी ठीक है अभी जो छोटे कोण है देखिए छोटे कोण कितना होगा तो टू एक्स अर्थात छोटे कोण बराबर छोटे कोण बराबर टू एक्स अर्थात टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी इज उगल टू कितना होगा फोर्टी इस प्रकार के सबसे छोटा कोण अभी पूरक कोण पूरक इज इक्वल टू कितना होता है तो नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री माइनस फोर्टी इज उगल टू कितना बनेगा फिफ्टी इस प्रकार से ठीक है अभी बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा कौन सबसे बड़ा कौन देखिए एट एक्स है अर्थात एट मल्टीप्लाई ट्वेंटी इज इग्वल टू वन सिक्सटी इस प्रकार से अभी संपूरक संपूरक कौन? संपुरक कौन? संपूरकन इजल टू कौन? वन हंड्रेड एट्टी माइनस वन सिक्सटी इज इग्वल टू कितना बनेगा तो 20 डिग्री इस प्रकार से बनेगा अभी जो अभिष्ट योग है तो अभिष्ट योग अभिस्ट योग बराबर तो योग जो है तो अभिष्ट योग पूरक जो कौन है पूरक कोण कितना बने थे तो पूरक कोण 50 डिग्री का अर्थात 50 डिग्री और इससे जोड़ना पड़ेगा संपूरक कोण अर्थात 20 डिग्री तो 50 और 20 यानी कि 70 डिग्री इस प्रकार से जो कि देखिए विकल्प क्रमांक डी में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 96 में दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप पंद्रह सेमी और सत्रह सेमी है त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है तो देखिए हमें पता है कि त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्गों का एक तो योग होगा नहीं तो घटाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमें बड़ा भुजा कौन सा है यह ज्ञात नहीं है अर्थात एक भुजा बराबर बाकी के दो भुजा। तो सूत्र के आधार पर हम यदि सॉल्व करते हैं इसे तो मान के चलिए तीसरा जो भुजा है तो तीसरा तीसरा भुजा बराबर क्या लिए है? हम एक्स लिए है अर्थात एक्स का वर्ग बराबर देखिए यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है एक पंद्रह और एक क्या सत्रह तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सत्रह का वर्ग तो एक बार हम इसे घटा के देखते हैं और एक बार हम इसे जोड़ के देखते हैं क्योंकि हमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है यह ज्ञात नहीं है इसलिए एक बार घटाना पड़ेगा और एक बार जोड़ना पड़ेगा तो एक्स का वर्ग बराबर सत्रह का वर्ग सत्रह का वर्ग दो सौ माइनस पंद्रह का वर्ग अर्थात दो सौ पच्चीस इस प्रकार से एक्स का वर्ग बराबर देखिए दो सौ से दो यदि पच्चीस यदि हम घटा देते हैं तो सिक्सटी फोर इस प्रकार आ रहे हैं अर्थात आठ इस प्रकार होगा क्योंकि जो सिक्सटी फोर है उसका वर्गमूल है आठ इस प्रकार से अर्थात आठ सेमी अभी हम फिर से इसे जोड़ के देखते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर टू सत्रह का वर्ग इससे जोड़ना पड़ेगा दूसरा बुझा अर्थात पंद्रह का वर्ग सत्रह का वर्ग है दो सौ उनबे इससे जोड़ना पड़ेगा दो सौ कितना पच्चीस इस प्रकार से दो सौ उनबे और दो सौ पच्चीस को यदि हम जोड़ते हैं तो पांच सौ चौदह इस प्रकार से आ रहा एक्स का वर्ग बराबर तो एक्स का मान ज्ञात करना है अर्थात इसका वर्ग निकालना पड़ेगा तो पांच सौ चौदह का जो वर्ग है वो ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्सटी सेवन सेमी इस प्रकार से आ रहा है ठीक है अभी प्रश्न में देखिए यहाँ पे कथन दिया था कि यह चार सेमी तथा सात सेमी के बीच में है देखिए एक माप आया है आठ सेमी अर्थात यह कथन सत्य नहीं होगा क्योंकि चार और सात के बीच में आठ नहीं आता है अर्थात यह कथन गलत है दूसरा इसमें यह बीस सेमी तथा ट्वेंटी थ्री सेमी के बीच में है देखिए ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्सटी सेवन अर्थात ये जो कथन है यह सत्य निकल रहा है तीसरा में यह दस सेमी से छोटी है देखिए ये दूसरा जो पहला जो परिया है इसमें आठ सेमी अर्थात दस से छोटा है अर्थात यह भी कथन सत्य है अर्थात बी और सी सत्य है जो कि देखिए विकल्प क्रमांक चार में दिया हुआ है कि बी और सी सत्य है अर्थात विकल्प क्रमांक चार इसका सही उत्तर है संख्या 97 में दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 सौ है तो उसके अन्य दो राजकों के बीच बने कोण की माप क्या है इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिए हमें इसे हल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं तीनों कोणों का माप कितना होता है एक मान के चलिए एक कोण का नाम है ए प्लस दूसरा कोण का नाम बी और तीसरा कोण का नाम क्या है सी इज इक्वल टू एक इस प्रकार से अभी देखिए यहाँ पे जो माप है वह दिया हुआ है ठीक है माप कितना दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 हो तो अर्थात दूसरा जो कोण है वह कितना होगा 70 डिग्री ठीक है एक कोण यदि 110 और दूसरा कोण, अर्थात ए और सी हम मान के चलिए ए और सी का माप कितना है तो कौन ए प्लस कौन सी का माप कितना आएगा सत्तर इस प्रकार से ठीक है अभी देखिए उन दोनों कोनों के समद्विभाजक अर्थात समान भाग करना पड़ेगा अर्थात कोन एक को दो से भागना पड़ेगा और सी को भी दो से भागना पड़ेगा अर्थात इसे हम यदि दो से भागते हैं तो इसका उत्तर आ रहा है थर्टी फाइव अंश क्योंकि समान भाग करने के लिए बताए अर्थात कितना आएगा थर्टी फाइव अंश पहला समीकरण नंबर एक अभी दूसरा कोण यदि दूसरा कौन को देखे तो 110 कितना था 110 ठीक है तो हम कौन ए और कौन सी इसे यदि हम समान दो भाग करते हैं कौन ए प्लस कौन सी कौन क्या सी प्लस कौन ए ओ सी इस प्रकार से तो देखिए कितना बनेगा 180 इस प्रकार से देखिए हम इन दोनों का माप दिया हुआ है ए और सी का माप कितना दिया हुआ है पैंतीस अंश यानी कि इन दोनों का माप हम कितना ले सकते हैं थर्टी फाइव अंश इस प्रकार से प्लस कौन कौन ए ओ सी बराबर एक सौ अस्सी इस प्रकार से ठीक है अभी ए ओ सी से थर्टी फाइव प्लस है उस पर लेके गए तो कौन ए ओ सी इज टू एक अस्सी और इससे घटाना पड़ेगा पैतीस अंश को अर्थात जो कौन ए ओ सी ए ओ सी कौन ए ओ सी इसका जो माफ है वो कितना आएगा 180 से 35 को घटाने पर 145 अंश बन रहा है जो कि देखिए विकल्प क्रमांक दो में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक दो इसका सही उत्तर है संख्या 98 में दिया हुआ है त्रिकोण एबीसी में ए बी बराबर चार सेमी ए सी बराबर पाँच सेमी बी सी बराबर छः सेमी है तो पी क्यू आर में पी आर बराबर चार सेमी पी क्यू बराबर पाँच सेमी और आर क्यू बराबर से छमी है तो ए बी सी सर्वंग सम है तो देखिए दिए गए प्रश्न अनुसार हम पहले त्रिकोण निकाल लेते हैं ठीक है त्रिकोण ए बी सी ठीक है इस त्रिकोण में ए बी बराबर चार सेमी दिया हुआ है ठीक है और एक त्रिकोण निकाल लेते हैं तो देखिए चार सेमी ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी बराबर पांच सेमी ए सी बराबर कितना पांच सेमी इस प्रकार और बी सी बराबर छः सेमी इस प्रकार अभी देखिए त्रिकोण पी क्यू आर में चार सेमी जो है पी आर बराबर दिया हुआ है अर्थात यहां हम लेते हैं पी और यहाँ पे आर ये दिया हुआ है कितना चार सेमी फिर पी क्यू बराबर पांच सेमी तो पी और यहां पे ले लेते क्यू इस पर पांच सेमी और क्यू बराबर आर क्यू बराबर कितना छः सेमी तो देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यू यह दोनों त्रिभुज सर्वंग सम है भुजा के आधार पर देखिए ये भुजा इस भुजा के साथ सर्वंग है यह भुजा इस भुजा के साथ तथा यह भुजा इस भुजा के साथ सर्वंग सम है ठीक है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वंग सम है पी आर क्यू से तो देखिए पी आर क्यू पी आर क्यू जो कि विकल्प क्रमांक देखिए तीन पर दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक तीन इसका सही उत्तर है देखिए प्रश्न संख्या 99 नाइन में दिया हुआ है एक टंकी घनाभाकार के आकार की है उसमें अधिकतम 540 मीटर पानी आ सकता है यदि उस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो उसमें पानी की गहराई कितने मीटर में होगी यह दो तीन भरी हुई है इस प्रकार से यह हाँ। प्रश्न पूछे गए है तो देखिए उस आयताकार जो टंकी है उसका हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो आयतन बराबर आयता टंकी की आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच इस प्रकार होगा और देखिए उसका जो आयतन आकार की जो आयतन दिया हुआ है कितना 540 मीटर पानी आ सकता है उसमें कितना 540 मीटर आ सकता है सॉरी 540 मीटर पानी आ सकता है तो अभी देखिए इसमें L दिया हुआ है लंबाई कितना दिया हुआ है आठ मीटर इस प्रकार से और चौड़ाई दिया हुआ है कितना पंद्रह इस प्रकार से और इसका ऊंचाई जो है वह हमें ज्ञात करना पड़ेगा बराबर पाँच सौ चालीस देखिए फिर से यदि हम हल करते हैं तो h बराबर देयर फोर एच बराबर, एच बराबर कितना पाँच सौ चालीस और छेद में आएगा आठ गुनाकार में पंद्रह इस प्रकार से यदि इसे हम हल करते हैं तो देखिए फिर से h बराबर इसे हम हल करने पर तीन सॉरी चार दशमलव पांच मीटर इस प्रकार से आ रहा है अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछे गए है कि इसमें पानी की गहराई कितने मीटर में होगी जब यह दो छः तीन भरी हुई है यदि फिर से हम इसे हल करते हैं तो देखिए किस प्रकार से होगा पानी की गहराई की गहराई बराबर इसमें भरा हुआ है कितना बताए तो दो छः तीन इस प्रकार से और गुनाकार चार पॉइंट पांच इस प्रकार से होगा यदि फिर से हम हल करते हैं तो देखिए इसका जो अंतिम हल है वह देखिए तीन से चार पॉइंट पांच इसको कितना बार जा रहे एक पॉइंट पांच बार एक पॉइंट पांच से दो को यदि गुनाकार करे तो तीन मीटर इस प्रकार का उत्तर आ रहा है जो देखिए विकल्प क्रमांक जो डी है यह विकल्प में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर है ये दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात सिक्सटीन इस टू नाइन है यदि छोटे त्रिभुज का सिक्सटी थ्री सेमी है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी बड़ी है इस प्रकार यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं अभी देखिए यह क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है तो सिक्सटीन अपन नाइन यदि इसे हम रेसिपकल करते हैं अनुपात को क्योंकि यह क्षेत्रफल का अनुपात है तो देखिए नौ का जो वर्गमूल है वह तीन है और सोलह का चार इस प्रकार से ये मान के चलते है ये वन यानी ये कि एक जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और दूसरा जो होगा तो देखिए उसे यदि फिर से हम सॉल्व करते हैं तो रूट थ्री अपन रूट फोर ये टू का इस प्रकार से होगा अभी देखिए ये वन इसका वर्ग इसका वर्ग दोनों का वर्ग ये वन का वर्ग ये टू का वर्ग ये वन का वर्ग, वर्ग बराबर कितना आ रहा है सिक्सटीन इस प्रकार से और ए टू इसका वर्ग बराबर कितना आ रहा है नौ इस प्रकार से लेकिन हमें सिर्फ ये वन चाहिए अर्थात ये वन इजल टू सोलह का जो वर्गमूल है वह है कितना चार इस प्रकार से और ये टू बराबर जो नौ का जो वर्गमूल है वह है कितना तीन इस प्रकार से अभी इसे फिर से यदि हम हल करते हैं तो साथ तीन गुना करने पर तीन ए टू इस प्रकार से अभी तीन ए टू बराबर इसका जो त्रिभुज दिया हुआ है कितना सिक्सटी थ्री इस प्रकार से अभी श्री ए टू निकलना है टू तू 63, यहाँ पे गुनाकार है इस पर आए तो भागाकार में आ जाएगा अर्थात ए टू बराबर इक्कीस इस प्रकार से होगा इक्कीस सेमी ए टू बराबर इक्कीस सेमी इस प्रकार से अभी देखिए यहाँ पे पूछे कि, कि छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी बड़ी अधिक है तो हमें पता है ये वन इज टू फोर अपॉन थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन यदि फिर से हम इसे हल करते हैं तो देखिए इक्कीस को कितने बार जा रहे सात बार सात को यदि चार से हम गुना करते हैं तो इसका उत्तर बन रहा है अट्ठाईस सेमी इस प्रकार से अभी देखिए टू माइनस ये वन ये वन माइनस ये टू इस प्रकार से ये वन का जो हल है वह आया कितना अट्ठाइस इस प्रकार से और ये टू का जो हल है वह कितना है इक्कीस इस प्रकार से यदि फिर से हम इसे हल करते हैं अट्ठाईस से इक्कीस चला गया अर्थात सात सेमी दोनों का अंतर है जो कि देखिए विकल्प क्रमांक दो में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक दो इसका सही उत्तर है एक में दिया हुआ है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप सिक्स पाए सेमी है यदि त्रिभुज का आधार आठ सेमी तो उसकी संगत ऊंचाई सेमी में है इस प्रकार यह प्रश्न पूछे गए हैं अभी देखिए परिमाप जो है वह कितना दिया हुआ है सिक्स पाए ठीक है तो परिमाप बराबर सिक्स पाए इस प्रकार दिया हुआ है तो देखिए इसे यदि हम हल करते हैं यह किसके आधार पर है तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के।, के जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है टू पाई आर इस प्रकार से ठीक है और यहाँ पे देखिए आर बराबर आर कितना आर बराबर तीन सेमी इस प्रकार से होगा ठीक है क्योंकि टू से सिक्स को डिवाइड करने पर तीन इस प्रकार से आ रहा है अभी हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाए आर स्क्वायर इस प्रकार से ठीक है इसे यदि हम हल करते हैं तो देखिए नाइन पाए इस प्रकार से हो रहा है नाइन पाए सेमी स्क्वायर से अभी देखिए फिर से यदि इसे हम हल करते हैं वन अपन टू मल्टीप्लाय बेस इंटू हाइट बराबर नाइन पाई इस प्रकार क्योंकि त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है फिर से यदि हम इसे हल करते हैं तो वन अपन टू मल्टीप्लाई आई एट इन एच बराबर नाइन पाए इस प्रकार से फिर से हल करने पर देखिए एच इजल टू टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव पाए इस प्रकार से आ रहा है सेमी में तो एच इजल टू टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव पाए सेमी जो कि देखिए विकल्प का जो चार है यह विकल्प में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक चार इसका सही उत्तर है संख्या एक सौ दो में दिया हुआ है अंक दिया हुआ है तो आंकड़ों के बहुलक मध्य तथा परिसर का मध्य है इस प्रकार पूछे है तो देखिए पहले हमें मध्यांक निकालना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे जो कुल अंक है तो मध्यांक बराबर मध्यांक बराबर तो कुल अंक तो कुल अंक कितना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अर्थात तेरह इससे जोड़ना पड़ेगा एक और छेद में आएगा दो यह बहुलक निकलने का सूत्र है कुल अंक प्लस उससे एक जोड़ना पड़ता है और नीचे दो से उससे भागना पड़ता तो यदि इसे हम हल करते हैं तो सात इस प्रकार आएगा क्योंकि तेरह और एक चौदह चौदह को दो से भागने पर सात उत्तर आएगा ठीक है तो सातवां पद तो सातवा जो पद है देखिए सातवा पद कौन सा है एक दो तीन चार पांच छ सात अर्थात चार यह सातवा पद है तो चार यह मध्यांग आएगा अब अभी देखिए बहुलक जो है बहु बहुलक बहुलक कौन सा आ रहा है तो बहुलक आ रहा है चार परिसर भी परिसर परिसर बराबर तो देखिए परिसर बराबर चौदह उससे घटाना पड़ेगा कितना एक अर्थात कितना तेरा इस प्रकार से आ रहा है ठीक है तेरा इस प्रकार से अभी मध्य अभी क्या निकलना है मध्य निकलना है मध्य मध्य बराबर तो देखिए मध्य चार प्लस चार उससे जोड़ना पड़ेगा तेरा और घटाना पड़ेगा कितना तीन क्योंकि कुल अंक है तीन इसीलिए तीन को घटाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि बहुलक चार है और मध्यांग भी चार है और परिसर कितना है तेरह है इसीलिए तेरह सॉरी यहाँ पे तेरा क्योंकि परिसर कितना है तेरह और कुल अंक है तीन इसलिए तीन से इसे भागना पड़ेगा तो देखिए तेरह और चार सत्रह और चार इक्कीस आ रहा है इक्कीस को तीन से भागने पर जो अंतिम जो हल है वह सात आ रहा है तो सात जो कि विकल्प क्रमांक देखिए चार पर दिया हुआ है अर्थात चार इसका सही विकल्प है प्रश्न संख्या एक सौ तीन में दिया हुआ है अपनी आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियां लगातार गणित की परीक्षणों और परीक्षा परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे है एक शिक्षक के रूप में आप इस यहाँ पे चार विकल्प दिया हुआ है अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे अच्छे ना करने के परिणाम को समझेंगे कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे और चौथा जो विकल्प है उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे इस प्रकार चार विकल्प दिया हुआ है अभी देखिए जो गणित जो विषय है यह प्रयोगात्मक विषय है देखिए अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने का कारण कर उसका निदान के लिए कदम उठाएंगे ठीक है इससे वह विद्यार्थी का प्रगति होगा और यह जो है देखिए विकल्प क्रमांक तीन में दिया हुआ है कारणों का निदान करेंगे और उपचार की कदम उठाएंगे यह सही विकल्प है अर्थात विकल्प क्रमांक तीन इसका उत्तर होगा एक सौ चार में दिया हुआ है गणित के समावेशी कक्षा में दृष्टिवदित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी इस प्रकार से और यहाँ पे चार विकल्प दिया हुआ है शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे पहला विकल्प दूसरा में उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे और तीसरा में गणित के बदलने की कोई दूसरा विषय दे देंगे और चौथा में गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनको जोड़े बना देंगे इस प्रकार के अभी देखिए इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह विकल्प क्रमांक देखिए जो दो है उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे क्योंकि देखिए जो छात्र है, तो छात्रों के लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे जैसे कि मौखिक विधि इसलिए विकल्प क्रमांक दो इसका सही उत्तर है 105 में दिया हुआ है गणित में शिक्षार्थियों की अभिरुचि अभिवृत्ति को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती है और इसमें चार मूल्यांकन दिया हुआ है पहला में जांच सूची पोर्टफोलियो कागज पेंसिल परीक्षा दूसरा में मौखिक परीक्षा कागज पेंसिल परीक्षा कक्षा की सहभागिता तीसरा में जांच सूची पोर्टफोलियो परियोजना कक्षा की सहभागिता और अंतिम विकल्प में पोर्टफोलियो परियोजना कागज पेंसिल परीक्षा तो देखिए इन विकल्पों में जो विकल्प क्रमांक देखिए तीन है जांच सूची पोर्टफोलियो परियोजना कक्षा की सहभागिता यह सबसे अति उत्तम होगा क्योंकि मूल्यांकन की नीति जांच सूची पोर्टफोलियो परियोजना कक्षा की सहभागिता यह सबसे गणित शिक्षार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति परखने की उत्तम विधि है अर्थात विकल्प क्रमांक तीन इसका सही उत्तर है 106 में दिया हुआ है कक्षा सात्वी की गणित शिक्षिका नीति नीता गणित के कक्षा कक्षा में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना जो कि प्रोजेक्ट देती है इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है तो देखिए पहला जो विकल्प है इसमें दिया हुआ है कि समस्या सुलझाने के कौशल्य को प्रोत्साहित करना तो यह उद्देश्य हो सकता है ठीक है उसके बाद देखिए प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त करना तो यह भी गणितीय उद्देश्य हो सकता है दूसरे में कक्षा कक्षा की एकरसता को भंग करना तो देखिए एक रस्ता को भंग करना यह उद्देश्य नहीं हो सकता अर्थात यह जो विकल्प है यह अनुचित है और तीसरा देखिए वैकल्पिक आकलन के लिए उसका उपयोग करना तो यह भी विकल्प अर्थात गणितीय उद्देश्य हो सकता है अर्थात ए बी और डी यह तीनों विकल्प सही है तो देखिए ए बी डी जो देखिए विकल्प क्रमांक डी में दिया हुआ है तीनों विकल्प का नाम अर्थात विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या एक सौ सात में दिया हुआ है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है तो देखिए पहला में दिया हुआ है रेखा दूसरा में बिंदु और तीसरा में चतुर्भुज के विकर्ण और चौथा में समतल इस प्रकार ठीक है अभी देखिए जो गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है तो देखिए जो रेखा है यह रेखा वह है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है बस केवल और केवल लंबाई होती है अर्थात विकल्प क्रमांक जो एक है इसका सही उत्तर है देखिए एक सौ आठ में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है और यहाँ पे चार पहलू दिया हुआ है माप मानसिक चित्रण क्रम परिवर्तन सामान्यकरण अभी देखिए माप जो है यह भौमितिक जो क्रिया है उसमें महत्वपूर्ण है अर्थात बीजगणित में यह जो है यह पहलू महत्वपूर्ण नहीं है अर्थात विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर है क्रमांक एक सौ नौ में पूछा गया कि गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है और पहला विकल्प में दिया हुआ है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना प्रश्न को हल करने में असमर्थता प्रश्न हल कराना विषय वस्तु से प्रश्नों का सूजन कराना देखिए इन चारों अर्थ में से या चारों उद्देश्यों में से जो कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना यह नहीं हो सकता ठीक है दूसरा में प्रश्नों को हल करने में असमर्थता यह भी नहीं हो सकता प्रश्न हल करना यह भी नहीं क्योंकि गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है तो प्रश्न रखने का अर्थ है विषय वस्तु से प्रश्न का सूजन करना यह उद्देश्य या यह अर्थ है इसलिए विकल्प क्रमांक चार इसका सही उत्तर है सो दस में दिया हुआ है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे विकल्प एक में अभ्यास प्रश्न समन्वेषण के लिए प्रश्न हल किए हुए उदाहरण प्रमेय और उनकी उपपत्ति तो देखिए जो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं, जो छात्र की रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं तो देखिए यह जो है यह विकल्प क्रमांक दो में दिया हुआ है कि समन्वेषण के लिए प्रश्न अर्थात जो विकल्प क्रमांक दो है यह इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या एक में दिया हुआ है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है और उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपरोक्त कथन के प्रमाण खंड हेतु किया जा सकता है इस प्रकार से यह हाँ प्रश्न पूछे है और चार विकल्प दिया हुआ है इनमें से देखिए प्रत्यक्ष उपपत्ति खंडन विधि प्रस्थापित द्वारा उपपत्ति और प्रतिपाद द्वारा उपपत्ति इस प्रकार दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे पूछे गए कि प्रत्येक विषम प्रकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है तो देखिए यदि हम नौ को लेते हैं यहाँ पे नौ को यदि हम लेते हैं तो नौ भी एक विषम संख्या है प्राकृतिक विषम संख्या है लेकिन नौ एक विषम प्रकृतिक संख्या है लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है ठीक है क्योंकि नौ को यदि हम देखें तो तीन से विभाजित होता है ठीक है तीन से इसे विभाजित होता है अर्थात यह खंडन विधि का प्रयोग किया जा सकता है इसलिए विकल्प क्रमांक जो दो है इसमें दिया हुआ है खंडन विधि इसलिए यह विधि सही है प्रश्न संख्या एक बारह में दिया हुआ है गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है इस प्रकार से अभी देखिए पहला में दिया हुआ है लिंग विषय की प्रकृति परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम इसमें से यदि लिंग देखा जाए यह दुश्चिंता के लिए घटक नहीं है क्योंकि कोई भी लिंग हो उसके आधार पर दुश्चिंता नहीं हो सकता विषय विषय की प्रकृति में यदि बदल किया जाए तो यह दुश्चिंता का विषय हो सकता है परीक्षा पद्धति में यदि बदल किया जाए तो भी हो सकता है और पाठ्यक्रम में लेकिन लिंग में बदल किया जाए यदि लिंग कोई भी हो स्त्री हो या पुरुष हो दोनों उत्तरदायी नहीं है इसलिए विकल्प क्रमांक एक इसका सही उत्तर है एक सौ तेरह में पूछा गया है इसका व्यक्रम पूछा गया व्यक्रम अर्थात रेसिपकल होता है तो देखिए रेसिपकल में जो नीचे वाला अंक है वह ऊपर चला जाएगा अर्थात ऊपर आठ और नीचे छेद में तीन बन जाएगा और इसका देखिए यहाँ पे रून है अर्थात यह धन बन जाएगा ठीक है यदि फिर से इसे हम हल करते हैं इसे भी उसी प्रकार ले तो पांच ऊपर और नीचे चार इस प्रकार से और देखिए यहाँ पे माइनस होगा सिर्फ यह जो अंक है इसका जो चिन्ह है इसमें बदल होते हैं तो यह धन ऋण था यह कौन सा बन जाएगा धन इस प्रकार से यदि फिर से हम हल करते हैं तो आठ का जो वर्ग होता है वह चौसठ इस प्रकार से और तीन का वर्ग नौ गुनाकार में पांच का जो घन है एक सौ पच्चीस और चार का जो घन है वह चौसठ लेकिन यह माइनस में होगा रून संख्या में होगा फिर से यदि हम हल करते हैं तो देखिए इसे हल करने के बाद चौसठ और चौसठ कटे है तो माइनस कितना बनेगा माइनस तो एक सौ पच्चीस में एक सौ पच्चीस और नीचे सेद में बचेगा नौ इस प्रकार से नौ जो विकल्प क्रमांक सी है उसमें दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा क्या एक सौ चौदह में दिया हुआ है यदि तेरह का वर्ग माइनस पाँच का वर्ग और तीन से दो बराबर छः का घन गुनाकार में ए तो ये का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार दिया हुआ है तो देखिए इसे हम हल यदि करते हैं तो तेरह का वर्ग दिया हुआ है तो तेरा का जो वर्ग है वह कितना है एक सौ उनसत्तर इस प्रकार से और इससे घटाना पड़ेगा पांच का वर्ग अर्थात पच्चीस घटाना पड़ेगा और ऊपर में दिया हुआ है तीन छेद में दो इस प्रकार से बराबर छे का घन और गुनाकार में ए दिया हुआ है, ठीक है अभी देखिए एक सौ उनसत्तर में से पच्चीस गया ठीक है बचते कितना और उसका यदि वर्ग एक सौ चौवालीस बस, बचते है एक सौ उनसत्तर में से पच्चीस गया अर्थात एक सौ चौवालीस बच रहा है एक सौ चौवालीस तीन 2 दो बराबर छे का घन गुनाकार में ये इस प्रकार से यदि हम फिर से इसे हल करते हैं तो देखिए एक सौ चवालीस का जो वर्गमूल है वह है बारह ठीक है यानी कि बारह का वर्ग और बाहर में तीन छ दो बराबर छ का घन गुनाकार में ये इस प्रकार से ठीक है अभी देखिए दोनों वर्गों को यदि ये करते हैं तो बारह का घन बराबर छ का घन गुनाकार में ये इस प्रकार से अगर ये है तो ये बराबर ये बराबर दो का घन क्योंकि यहाँ पे गुनाकार है तो इस पर लाए तो भागाकार हो जाएगा छः से बारह को भाग देने पर दो बचता है अर्थात दो का घन अभी दो का घन का अर्थ है दो गुनाकार में दो गुनाकार दो बराबर देखिए दो से दो को गिनने पर आए, चार बनता है और चार से दो को गिनने पर आठ अर्थात ये बराबर ये बराबर कितना आ रहा है आठ जो कि देखिए विकल्प क्रमांक डी को यदि हल किए दो का घन पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विकल्प क्रमांक डी में दिया हुआ है दो का घन तो हमारे पास ए का घन सॉरी ये बराबर दो का घन आए थे अर्थात यहां तक यदि हम हल करते हैं तो भी हमें उत्तर मिल रहा है इसलिए विकल्प क्रमांक डी इसका सही उत्तर है देखिए प्रश्न संख्या एक में दिया हुआ है कौनस के अंदर सत्रह छेद में है एक सौ गुनाकार में अट्ठान और छेद में है चौदह इसका वर्ग इस प्रकार से का मान पूछा है तो देखिए हम इसे यदि हल करते हैं तो उन्नीस से तो सॉरी सत्रह से उन्नीस को कितना बार जा रहे है सात बार और चौदह से नाइन्टी एट को भी सात बार जा रहा है अभी बचे कितना नीचे में यहाँ पे एक यहाँ पे सात गुनाकार में सात इस प्रकार से और इसका वर्ग इस प्रकार से अभी देखिए फिर से सात को सात से एक बार जा रहा है अर्थात बचे क्या है एक इसका वर्ग तो एक का वर्ग अर्थात कितना होता है एक यह मान आ रहा है तो एक यह मान देखिए विकल्प क्रमांक ए में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या सो 116 में दिया हुआ है घन दिया हुआ है और उसके अंदर पंद्रह हजार सो 612 इससे जोड़ना पड़ेगा रूट एक सौ प्लस रूट दो सौ पच्चीस अभी दो सौ पच्चीस जो है इसका जो वर्गमूल है वह कितना है पंद्रह तो यदि इसे हम हल करते हैं तो देखिए यहां पे क्यूब पंद्रह हजार बारा, इससे जोड़ना पड़ेगा रूट एक सौ चौपन और इससे जोड़ना पड़ेगा देखिए अभी 225 को वर्ग के बाहर लाए तो पंद्रह का वर्गमूल है दो सॉरी पंद्रह का जो वर्ग है दो अर्थात दो का वर्गमूल कितना है पंद्रह इस प्रकार से अभी फिर से भी हम इसे हल करते हैं तो देखिए पंद्रह हजार से सौ बारह इससे जोड़ना पड़ेगा रूट के अंदर एक सौ चौनानवे प्लस पंद्रह यानी कि एक सौ कितना एक सौ इस प्रकार से आ रहा है अभी एक सौ उनसत्तर का जो वर्गमूल है वह कितना है तेरह अर्थात फिर से यदि हम इसे हल करते हैं तो पंद्रह हजार छ सौ बारह प्लस एक सौ उनसत्तर का जो वर्गमूल है तेरह दोनों अंकों को फिर से यदि हम जोड़ दे तो रूट के क्यूब के अंदर पंद्रह हजार छः सौ पंद्रह हजार छ सौ बारह प्लस तेरा अर्थात पंद्रह हजार छ सौ पच्चीस अभी पंद्रह हजार छ सौ पच्चीस इसको यदि हम क्यूब कि घनमूल के बाहर निकाले तो देखिए 25 पच्चीस 25 करने पर पंद्रह इस प्रकार से आ रहा है अर्थात इसे घनमूल से बाहर निकाले तो इसका अंतिम जो हल है 25 इस प्रकार बनेगा तो 25 जो देखिए विकल्प क्रमांक दो है इसमें दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक दो इसका सही उत्तर है देखिए प्रश्न संख्या एक में दिया हुआ है। श्रोताओं में से एक छे भाग पुरुष तथा एक तीन महिला है तो शेष बच्चे हैं। बच्चे की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत या पूछे गए हैं। अभी बच्चों की संख्या कुल संख्याओं का भाग से हमें घटाना पड़ेगा तो मान के चलिए एक से माइनस करना पड़ेगा एक छेद से और इससे जोड़ना पड़ेगा एक छेद तीन इस प्रकार से यदि हम हल करते हैं तो देखिए एक माइनस तीन छेद छे इस प्रकार से बनेगा यदि फिर से हम इसे हल करते हैं तो देखिए इसका उत्तर आ रहा है वन अपन टू इस प्रकार से ठीक है अभी बच्चे की प्रतिशत पूछे है तो देखिए वन अपन टू मल्टीप्लाई हंड्रेड क्योंकि प्रतिशत जो है हंड्रेड से निकलते हैं तो इससे दो से देखिए हंड्रेड को कितना बार जा रहा है पचास अर्थात पचास प्रतिशत बच्चे हैं जो कि विकल्प क्रमांक चार में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक चार इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या एक में दिया हुआ है एक समवाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर बनाया गया है यह वृत्त जो है इसके अंदर समवाहु त्रिभुज ए बी सी है वृत्त का केंद्र ओ है वो यह केंद्र बिंदु है तब बीओ सी अर्थात बी ओ सी का बराबर है तो देखिए ए बी सी यह समवाहु त्रिभुज है तो देखिए अभी ए बी सी यह समवायु त्रिभुज है तब सी का जो माप है वह कितना है सिक्सटी डिग्री कौन सी इज टू कितना सिक्सटी डिग्री क्योंकि ए बी सी यह तीनों समबाहु त्रिभुज है अभी केंद्र पर बना जो कौन है तो केंद्र पर बना कौन बराबर टू इंटू परिधि पर बने बना कौन बराबर परिधि पर बना कौन कौन बराबर क्योंकि देखिए कौन बी ओ सी इजुगल तो टू टू मल्टीप्लाई सिक्सटी डिग्री ठीक है तो सिक्सटी डिग्री इजुगल टू तो एक बीस डिग्री इस प्रकार से अर्थात बी ओ सी बी ओ सी का माप कितना आएगा एक सौ बीस जो कि देखिए विकल्प क्रमांक एक पर दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक एक इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या एक सौ उन्नीस में दिया है पार्श्व चित्र में ए बी सी की भुजा जो ए बी सी इनमें बी बीसी अर्थात बीसी माप दिया हुआ है कितना आठ से, से तथा बिंदु एम तथा N, क्रमश, A, B, तथा एन भुजा के मध्य बिंदु है अर्थात ए और बी और ए और सी का मध्य बिंदु कौन सा है M है तथा एन है तो रेखा एम एन की माप एम एन की माप यहां पूछे गए हैं अभी देखिए दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रुजु रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की आधी होती है यह हमें पता है अर्थात हम इसे हल कर सकते हैं कि एम एन बराबर वन अपन टू और इससे गुनाकार करना पड़ेगा बी सी ठीक है यदि इसे हम फिर से हल करते हैं तो वन अपन टू बी सी का माप दिया हुआ है कितना आठ सेमी अर्थात दो से आठ को चार बार जाता है अर्थात चार सेमी इस प्रकार होगा इसका माप यम का माप तो यमएन का माप चार सेमी जो कि देखिए विकल्प क्रमांक जो दो है इसमें दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक दो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या एक बीस में दिया हुआ है समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 हजार वर्ग मीटर है समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है यदि समांतर भुजाओं का अनुपात पाँच इस तीन हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई होगी और यहाँ पे चार विकल्प दिया हुआ है तो मान के चलिए कि जो भुजा है उसका अनुपात जो है पाँच और तीन दिया हुआ है इसमें हम एक्स मिला लेते हैं अर्थात तो पाँच एक्स तथा कौन सा तथा तीन एक्स इस प्रकार से है अभी देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है एक हजार चार सौ चालीस मीटर इस प्रकार से तो हम सूत्र के समलंब आकार का जो क्षेत्रफल है समलंब आकार का क्षेत्रफल बराबर एक अपॉन दो और उन दो भुजाओं की जो लंबाई है उसका योगफल पाँच एक्स अर्थ और तीन एक्स इसका लंबाई और देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है बीच की दूरी चौबीस अर्थात चौबीस से इसे गुनाकार करना पड़ेगा यदि फिर से हम इसे हल करते हैं तो देखिए एक हजार चार सौ चालीस बराबर वन अपन टू देखिए दोनों को जोड़ने पर आठ एक्स इस प्रकार बन रहे और गुनाकार चौबीस ठीक है अभी फिर से यदि हम इसे हल करते हैं तो देखिए एक हजार चार चालीस बराबर दो से देखिए इसे कितना बार जा रहा है बारह बार जा रहा है अर्थात बारह और आठ गुनाकार करने पर नाइन्टी सिक्स एक्स इस प्रकार से आ रहा है अभी नाइन्टी सिक्स एक्स के साथ गुनाकार है इस पार लाया तो एक्स बराबर एक हजार एक सौ चालीस और छेद में नाइन्टी सिक्स इस प्रकार से होगा हल करते हैं तो नाइन्टी सिक्स से इसे पंद्रह बार जा रहा है कितना बार जा रहा है पंद्रह बार तो अंतिम जो हल है एक्स का जो मान है वहाँ पंद्रह आ रहा है तो देखिए पंद्रह यह सबसे लंबी भुजाओं की लंबाई यहाँ पे बताया है अभी एक्स का मान आया है पंद्रह तो सबसे जो लंबी भुजा है उसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा लंबी भुजा कितना है पाँच एक्स तो पाँच एक्स बराबर पाँच गुनाकार में पंद्रह इस प्रकार से अभी पंद्रह को यदि पाँच से गुनाकार करते हैं तो पचहत्तर मीटर इस प्रकार बन रहा है तो पचहत्तर मीटर जो देखिए विकल्प क्रमांक एक है इस विकल्प में दिया हुआ है अर्थात विकल्प क्रमांक एक इसका सही उत्तर है आशा है कि आप सभी को यह जो स्पष्टीकरण है यह परिपूर्ण लगा है यदि आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं नंबर है नाइन फाइव नाइन फाइव एट वन वन फाइव सिक्स फोर इस प्रकार से आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तथा धन्यवाद